वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। सपा नेता का दलित के ऊपर अत्याचार, दलित के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। सीएम योगी को भी ये देखकर आ जाएगा गुस्सा। जिस बुलडोजर से पुलिस वालों पर हमला करने वाले विकास दुबे का घर गिरा दिया गया, जिस बुलडोजर से आम आदमी को धमकाने और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मुख्तार और अतीक की अवैध संपत्तियों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, जिस बुलडोजर के खौफ से गुंडों, बदमाशों और अपराधियों की नींद उड़ गई, जिस बुलडोजर की गरज से बलात्कार का आरोपी खुद सामने आकर सरेंडर करने लगा, अब उसी बुलडोजर से एक गरीब परिवार का घर गिरा दिया गया है। और ये काम गरीबों और मासूमों को न्याय दिलवाने वाले बाबा के बुलडोजर से नहीं, बल्कि उसी के बहरूपीय एक ऐसे बुलडोजर से किया गया जिसे समाजवादी पार्टी की नेता के इशारे पर चलाया गया था। दलित परिवार के कच्चे मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। घर गिराने से पहले सपा नेता गुंजन सिंह ने गरीब परिवार को धमकाया भी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो महिलाओं को वहां से भागने के लिए कह रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं कि जिसे भी बुलाना है बुला लो, देख लेंगे। वहीं जब परिवार के दयाराम ने पुलिस को पत्र लिखकर इस बात की सूचना दी तो पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर कार्रवाई शुरू की और दलित परिवार के दयाराम ने बताया कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के मकसद से गुंजन सिंह ने दबंगों के साथ मिलकर उनका घर गिरवा दिया। ये घर कब्जा कर रहे हैं हमारा। कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह गुंजन। अच्छा, किस लिए? अब वो गुंडागर्दी से हर चीज से भगा चाह रहे हैं, कब्जा करके जो मैं बेच रहे हैं। हाँ। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हो गई 3.5 बिस्सा या 4 बिस्सा हो गए। शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत किया, कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। हाँ। उसके बाद गया, रोक लगाया, वो थाने में नहीं आ गई। अच्छा। हाँ, पेड़ भी काट दिए। एक नीम के पेड़ गिरा दिए हैं और जमीन के पेड़ काट रहे हैं, तब तक कोतवाली पहुँची, आरा मशीन सब खा लाया। अच्छा। हाँ, सब खा लाया कोतवाली। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की और दयाराम कोरी के भाई से बात की तो उसने कुछ और ही मामला बताया। 25/4/2022 को जमीन संबंधी कोतवाली अमेठी के सराय रासा गांव का है। इस संबंध में दयाराम कोरी आरोप लगाए कि हमारी जमीन पर गुंजन सिंह और उनके ड्राइवर दीपक सोनी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में इनके भाई जिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम चार भाई हैं, जमीन का बंटवारा हो चुका है, हम अपनी जमीन दीपक सोनी को बेच रहे। बेचने के बाद दीपक सोनी जमीन की साफ सफाई करा रहे थे। इसी साफ सफाई के दौरान दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, पुलिस मौके पर पहुंच गई और शांति व्यवस्था के बीच पहुँचकर विरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अब यहाँ कोई समस्या नहीं। पुलिस ने जिस दीपक सोनी की बात की वो सपा नेता गुंजन सिंह का ड्राइवर है, जिसके ऊपर इस गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। लेकिन इस सब में सवाल ये है कि विवाद दयाराम और ड्राइवर दीपक सोनी के बीच है तो वहां दबंगई दिखाने गुंजन सिंह करने क्या गई थी। इस पर गुंजन सिंह ने भले ही ये कहा हो कि वो दीपक और दयाराम के बीच हुई कहासुनी सुलझाने गई थी और उनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि किसी और के विवाद में एक गरीब परिवार का घर बुलडोजर से गिरा दें और उनको धमकाएं। एक तरफ जहां योगी सरकार के साफ निर्देश हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी गरीब परिवार पर ना की जाए, वहीं सपा नेता का ये गुंडागर्दी करना उनको अब कितना महंगा पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि राज्य में योगी का जलवा अभी बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल कर के बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा।